हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोहेल है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ग्रोथ और डेथ ऑफ योर नेटवर्क, क्या आपका नेटवर्क बढ़ रहा है या मर रहा है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले तो ऐसी कुछ चीजें जो हम कर रहे हैं जो गलत है, जिस वजह से हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, जिस वजह से हमारा नेटवर्क ग्रो नहीं हो रहा है, और कुछ चीजें ऐसी है जो हम नहीं कर रहे हैं जिस वजह से हमारे नेटवर्क में ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे वो चीजों पे जो हम गलत कर रहे हैं जिस वजह से हमारे नेटवर्क में ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है या डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये सारा डुप्लीकेशन का खेल है। मेरा बोलते ना कि आपका बच्चा वो नहीं करेगा जो आप बोलोगे, आपका बच्चा वो करेगा जो आप करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन या आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहे तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप जिस कंपनी से जुड़े हो, अगर आप उस कंपनी का प्रोडक्ट दिल से यूज नहीं करते, आपके घर में वो प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, तो धीरे धीरे आपकी डाउनलाइन को भी समझ में आना चालू हो जाएगा कि भाई आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हो, और धीरे धीरे वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देंगे और वो नेटवर्क या वो पार्टनर या वो आपका टीममेट मर जाएगा इस नेटवर्क के अंदर। उसके बाद अगर आप डेली कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी नहीं करते हो जिसके वजह से आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आए, आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग्स आए, तो आपकी डाउनलाइन को भी ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे नए रिक्रूट्स लाए जाते हैं, कैसे नए लोगों से बातें की जाती है। उसके बाद अगर आप अपना प्लान या आप अपने डाउनलाइन से कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे तो आपके नेटवर्क को ये नहीं समझ में आएगा कि क्या एक्टिविटीज करने से आगे बिजनेस बढ़ता है और क्या ऐसी एक्टिविटीज उन्हें करनी है ताकि वो अपने डाउनलाइन को भी मोटिवेटेड रख सके। और क्या चीज है, अगर हम प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे तो हमारी डाउनलाइन ही प्रोडक्ट यूज नहीं करेगी। अगर हम प्लान नहीं बताएंगे तो हमारे डाउनलाइन भी किसी को प्लान नहीं बताएगा। हमारा बिजनेस अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारे डाउनलाइन या हमारा नेटवर्क भी इस बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगा। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे हम बोला जाता है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ते हो तो आप एक कांच के घर में रहना शुरू करते हो। हर वो चीज जो आप कर रहे हो वो नजर आती है लोगों को पता चलता है कि भाई हमारा अपलाइन कितना एक्टिव है, हमारा अपलाइन कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, और जब आप करने लगोगे तो खुद ब खुद आपकी डाउनलाइन आपको देखकर काम करना शुरू करेगी। तो आपको डेली एक्टिविटीज करनी है। उसके साथ आपको अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करना है, जो एक्टिविटीज वो आपको करने के लिए बोल रहे हैं आप उसको करिए, क्योंकि वो करने से ही आपको ग्रोथ आएगा। और जो आपका अपलाइन है वो कुछ टाइम पहले आपके उस कंपनी के अंदर जुड़ा है तो उसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज आपसे ज्यादा है। और ये ध्यान रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम डाउनलाइन का ग्रोथ नहीं करके देंगे तो अपलाइन को भी बोनस नहीं आएगा, अपलाइन का भी ग्रोथ नहीं होगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भला होगा। तो जब आपका अपलाइन आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है तो वो आपके फायदे के लिए ही बोल रहा है। तो यहां पर अगर आपका फायदा होगा तो आपकी अपलाइन का भी फायदा होगा। तो आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए, जो वो बोलते हैं वो आप सुनिए, वो आप करिए, क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके बोली हुई बातों को अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी ये देख रही है कि अगर आप अपनी अपलाइन की बात सुन रहे हो और आप ग्रो कर रहे हो तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी बात सुनना शुरू करेगी। तो ये तो कुछ चीजें मैंने बताया। अब हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट्स है या आपका जो प्लान है आप बड़े उसमें माहिर हो, बहुत बहुत अच्छे से आप वो चीज को समझ गए हो, पर जैसे मान लो कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका है जो हेल्थ रिलेटेड है और उसमें अगर बहुत सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है और अगर आप साइंटिफिकली लोगों के साथ बातें करोगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हाई लेवल साइंस या हाई लेवल मेडिकल टर्म समझ में आएंगे। तो आपको जब भी कोई प्रेजेंटेशन करना है तो आपको उनके लेवल पे जाकर बात करनी होगी, और अगर आप हाई लेवल पे बात करना ही चाहते हो तो आप जिस तरीके से मैं ये वीडियोज रिकॉर्ड करता हूँ वैसे आप उस वीडियोज को रिकॉर्ड करके अपनी डाउनलाइन को एक यूट्यूब पे या कोई मीडियम से उनको ट्रांसफर करिए ताकि उनके पास भी वो कंटेंट हो सके, ताकि वो और लोगों को सिखा सके। अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो तो ही जॉइनिंग होती है, और अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो तो ही प्रोडक्ट बिकता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। हर बार आपकी डाउनलाइन वेट करती होगी कि कब मेरा सीनियर आएगा और कब प्रेजेंटेशन देगा और कब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो अगर ऐसा माहौल होगा तो कुछ टाइम बाद आपका डाउनलाइन खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि
कि वो ये बातें नहीं कर सकता और उनके पास कोई मीडियम नहीं है कि जिससे वो आपकी बातों को आगे ट्रांसफर कर पाए, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर हो सकता है कि आपका ये डाउनलाइन इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी के साथ आपके जुड़ा है वो मरना शुरू कर जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आप एक्सपर्ट हो तो हर चीज को आपको एकदम हाई लेवल पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लेवल को डाउन करना है और आसान भाषा में लोगों को समझाना शुरू करना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो थी जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको देखकर आपकी डाउनलाइन आपको कॉपी करना शुरू करेगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका बच्चा है वो आप जो बोलोगे वो नहीं करेगा, आप जो करोगे वही वो करेगा। तो इसीलिए आप अपने नेटवर्क के लिए एक मोटिवेशन है, आप एक इंस्पिरेशन है। अगर आप एक्टिविटीज अच्छे तरीके से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो आपका नेटवर्क जो है उसको सेंस करेगा और उसको डुप्लीकेट करना शुरू करेगा। अगर आप नेगेटिव तरीके से काम कर रहे हो, अगर आप आलसी तरीके से काम कर रहे हो, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हो जो राइट तरीका होता है जो एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स करते हैं, तो आने वाले टाइम में ये रॉन्ग मेथड्स आपके डाउनलाइन में जाएगी और ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग मेथड से जब ग्रोथ नहीं आएगा तो खुद ब खुद आपकी डाउनलाइन मरती चली जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी है जो हमें करनी है पर हम वो चीज नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपका जो बिजनेस है या आपका नेटवर्क जो ग्रो होने वाला है, ये तब ग्रो होगा जब आपकी डाउनलाइन वही चीजें डुप्लीकेट कर पाएगी, वही चीजें कर पाएगी जो आप कर रहे हो। अगर मान लो हम फिशिंग के लिए जाते हैं और अगर मैं एक ही लाइन को मैं अगर पानी में फेंकता हूं तो आप मुझे बताइए कि कितने फिश मेरे उस एक लाइन के अंदर या एक हुक में आएंगे? एक ही आएगा या मैक्सिमम दो आएंगे। पर अगर मैं उसकी जगह पे अगर एक जाला फेंकता हूं तो कितने आएंगे? तो ये जाले का मतलब क्या है कि ये हर जो नॉट हमारे उस जाले में रहता है, वो नेट जो बनता है बड़ा रहता है और उस नेट के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं ये हमारे एक डाउनलाइन है। तो एक डाउनलाइन दूसरे डाउनलाइन के साथ जुड़ते हुए एक कड़ी बननी शुरू होती है, इसको नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क का हर पार्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क बढ़े तो आपको कुछ चीजें ऐसी करनी होगी जो आसानी से आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट कर सके। तो आप क्या ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट बहुत ही आसानी से कर सकती है? तो सबसे पहले तो आपके जो भी कंपनी के साथ आप जुड़े हो उसकी मीटिंग्स होती है, इवेंट्स होते हैं, वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होते हैं, रिकॉग्निशन नाइट्स होते हैं। तो ऐसे सारे जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये हर स्टेट में, हर सिटी में, हर कंट्री में ये होते रहते हैं। तो आपको वहां होना जरूरी नहीं है, बट ये मीटिंग्स जो है ये खुद ब खुद लोग अपनी टीम्स के लिए, अपने एरिया को डेवलप करने के लिए ये मीटिंग्स होती रहती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी डाउनलाइन को ये ट्रेनिंग देनी है, एक हैबिट उनकी बनानी है कि आप भी मीटिंग्स को अटेंड कर लिया करो। जैसे मेरे ग्रुप के अंदर कुछ लोग बिहार के अंदर है, वो बिहार के अंदर जो है एवरी डे, एवरी टू डेज या एवरी वीक मीटिंग होती है, बट मैं बिहार नहीं जा पाता हूं, पर वो लोग बिहार की अगर मीटिंग अटेंड करते हैं तो वहां पे भी आप सोचिए कि सेम कंपनी का सेम प्लान, सेम इवेंट या सेम प्रेजेंटेशन वहां पर भी होता है। तो अगर हम वहां मौजूद नहीं है फिर भी लोग अगर वहां बैठेंगे तो उन्हें आइडिया मिल जाएगा कि जो कंपनी हम कर रहे हैं वो क्या है, उसमें ग्रोथ कैसे होता है, इनकम कैसे कमाते हैं। तो यानी यहाँ पे आप मीटिंग्स का सपोर्ट ले सकते हो और ये कोई भी डाउनलाइन कॉपी कर सकता है, सिर्फ लोगों को ले जाना है और उस मीटिंग में बिठाना है, ये बहुत ही ईजी टास्क होता है। तो आपका डाउनलाइन इस चीज को कॉपी कर सकता है, इस चीज को डुप्लीकेट कर सकता है। तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन हो, जब भी कोई मीटिंग हो, आप डाउनलाइन को जरूर बताइए उसके बारे में ताकि वो जाकर अटेंड करिए। और जिस एरिया में आप रहते हो अगर आपके यहां पे नजदीक में मीटिंग होती है तो आप जरूर उसको अटेंड करिए ताकि आप फेस टू फेस अपनी डाउनलाइंस के साथ मिलकर बात भी कर सको। तो मीटिंग्स, ट्रेनिंग, इवेंट्स ये बहुत ही आसान तरीका है जो अपनी डाउनलाइन को आप सिखा सकते हो, उनकी आदत में लगा सकते हो ताकि वो इसको करे और वही चीज वो अपने डाउनलाइन से करवा सके। और मीटिंग्स बहुत पावरफुल होती है, इवेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप देखोगे कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इवेंट्स से ही आता है।
तो जरूर आप इस आदत को अपनी टीम में डालिए, मीटिंग्स अटेंड करने की, ट्रेनिंग्स अटेंड करने की, इवेंट्स अटेंड करना, रिकॉग्निशन नाइट्स जो होती है उसको अटेंड करना। तो इवेंट्स, मीटिंग, ट्रेनिंग्स बहुत पावरफुल होती है। और क्या चीजें हैं जो आसानी से डुप्लीकेट की जा सकती है? आपकी जो कंपनीज है उनके पास सीडीज होगी, डीवीडीज होगी, जहां पर लोग अपने पर्सनल प्रोडक्ट रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स की बातें करते हैं, सक्सेस स्टोरीज के आपके वीडियोस होंगे, जो इवेंट्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स उनके पास होगी। तो ये जो सीडीज या डीवीडीज है, अगर आपकी कंपनी के काउंटर्स पे अवेलेबल है तो आप इसको ले जाकर इसको यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद अपनी डाउनलाइन को आप बोलिए कि आप ये सीडीज या डीवीडीज को आप खरीद लीजिए। खरीदने के बाद उनको आप सिखाइए कि कैसे आपके घर के अंदर डीवीडी या सीडी प्लेयर या कंप्यूटर के अंदर आप स्क्रीन पे इस चीज को ऑन करके अपने लोगों को बिठाकर दिखा सकते हो। क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आप नहीं कर सकते हो, इसका मतलब नहीं है कि आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते हो। सीडीज या डीवीडीज में जो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके प्रेजेंटेशन भी बहुत पावरफुल होते हैं, जिस वजह से लोग उसको देखकर आपके साथ जुड़ना शुरू करते हैं, उसको देखकर लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं। तो जब हमने भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था तो हमने सीडीज डीवीडीज को यूज करके ही आगे काम बढ़ाया है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो आप इसको यूज कर सकते हो। उसी तरीके से आपके कंपनी के न्यूज़लेटर्स होंगे, आपके कंपनी की मैगजीन्स होगी, बुकलेट्स होंगे, तो वो चीजों को आप यूज करके वो लोगों को आप सिखा सकते हो कि किस तरीके से ये किताबें आप खुद पढ़ के, लोगों को पढ़ा के भी आप लोगों को इस सिस्टम के अंदर, इस कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा और क्या चीज है, कंपनी के कुछ और टूल्स होते हैं, जैसे कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी के कैटलॉग्स है। प्रोफाइल यानी वो चीज होती है जहां पर कंपनी के फाउंडर के बारे में बताया जाता है, कंपनी की फैक्ट्रीज कहां पर है वो बताया जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनी का एक प्रोफाइल बताया जाता है कि कंपनी एग्जैक्टली है कहां, कब से चालू हुई और क्या क्या इस कंपनी के एसेट्स है, क्या क्या कंपनी के फीचर्स है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब एक नए बंदे को समझना होता है। तो जब आपके पास ये कंपनी का प्रोफाइल होगा तो आप उसको अपनी डाउनलाइन को बिठाकर उनको सिखा सकते हो कि इस प्रोफाइल को किस तरीके से यूज करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, आपको अपने कंपनी के फाउंडर के बारे में बात करनी है, आपको कंपनी कब स्टार्ट हुई वो बात करनी है, कंपनी के यूनिक फीचर्स क्या है वो बात करनी है, ताकि आप जब ये बात करो ये बहुत ही ईजी होता है। और क्योंकि किताब में ऑलरेडी वो चीजें लिखी होती है तो ये किसी भी डाउनलाइन को, किसी और को समझाना भी आसान हो जाता है। उसी तरीके से जो कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग होता है उसको आप खरीद के उसको यूज कर सकते हो, हर एक प्रोडक्ट को आप टर्न करके दिखा सकते हो। तो जब इमेज लोगों के सामने आता है, इसलिए बोला जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो जब आप वो प्रोडक्ट कैटलॉग लोगों को दिखाओगे तो खुद ब खुद लोगों के सामने इमेजेस आने चालू हो जाएंगे, लोगों को समझ में आना चालू हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट का पैकिंग इस तरीके से होता है और ये प्रोडक्ट आपको इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हासिल करनी है। तो जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ बैठो तो प्रोडक्ट के बारे में इंडिविजुअली यूएसपीज आपको बताना है, उसमें क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिला है या आपको आगे लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है, उस पे जब आप बात करोगे, क्योंकि लोग इसमें क्या है उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, प्रोडक्ट में हमारे लिए क्या है वो आप बताओ। तो जब आप लोगों को अपनी डाउनलाइन को वो कैटलॉग यूज करना सिखाओगे तो हर बंदा आपकी टीम में वो कैटलॉग को यूज करके प्रोडक्ट को प्रमोट करना उसके लिए आसान हो जाएगा और डुप्लीकेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप देखिए कि आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन हर चीजें हो गई है, मार्केटिंग लोग ऑनलाइन करना चालू कर दिए, तो सीडीज और डीवीडीज भी आजकल लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आप यूट्यूब पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, आपको हर वो वीडियोस जो आपके सीडीज डीवीडीज में हुआ करती थी आज आपको वही वीडियोस ऑनलाइन भी आपके मिल जाएंगे। तो यही चीजें आप ध्यान रखिए कि आपको खाली क्या करना है कि आपको सीखना है, आपको ऑनलाइन वीडियोस देखने हैं, देखने के बाद जो वीडियोस आपको लगता है कि ये आगे हमको शेयर करना है, आप अपनी डाउनलाइन को शेयर करके आप डाउनलाइन को ये जरूर मैसेज करिए कि इस वीडियोस को आप आगे फॉरवर्ड करिए। क्योंकि आप देखिए कि जब भी आप कोई बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो, बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उनकी एड्स टेलीविजन पे आती है, उनकी होर्डिंग्स आती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो टीवी पे ऐड करते हैं और करोड़ों लोग उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं, उनके सामने वो स्क्रीन पे दिखाई देता है और फिर जाके वो दुकानों से सामान खरीदते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्यादातर एड्स
नहीं करती है। तो एज एन इंडिविजुअल अगर हम इस तरीके से अगर बड़ी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो हमें बजट के अंदर प्रॉब्लम आता है। तो ये जो सोशल मीडिया है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जैसे आप फेसबुक ले लो, जैसे आप यूट्यूब ले लो, ये सारे सिस्टम्स के जरिए से हमें क्या करना है, व्हाट्सएप के थ्रू, आप दूसरे मीडियम्स के थ्रू इस चीज को आप आगे शेयर कर सकते हो, लिंक्स को आगे शेयर कर सकते हो। तो आप खाली सोचिए कि अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 250 लोगों को अलाउ किया गया है, अगर 250 लोग अपने 250 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, या अगर मान लो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के अगर 250 लोग अपने 250 लोगों का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे, और यही ब्रॉडकास्ट लिस्ट के वाया अगर आपने अपने 250 को भेजा और वो 250 लोगों ने अपने 250 लोगों को भेजा, इस तरीके से नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, कितने सारे लोगों को एक ही दिन में, जैसे टेलीविजन पे वो एड स्ट्रीम होती है, वैसे अगर आप अपने लिंक्स को भेजोगे, अपने डाउनलाइन को आप सिखाओगे कि बेसिक एक क्लिक करने से अगर आपके 250 लोगों तक जाता है, 2.5 लाख लोगों तक जाता है, 2.5 करोड़ लोगों तक अगर आपके ये लिंक्स जाते हैं, तो उन ढाई, बोलते ना कि लॉ ऑफ एवरेजेस बोलता है कि अगर 10 लोग आप समझाओगे तो 10 में से एक के समझ में आएगा। तो जितने बड़े नेटवर्क को आप ब्रॉडकास्ट करोगे, उतने ज्यादा आपके पास रिजल्ट्स, या उतने ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूमर्स, या उतने ज्यादा आपके पास रिक्रूट्स या मेंबरशिप लेने के लिए लोग तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया को आज तक हमने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया, हमने टाइम पास करने के लिए यूज किया, तो अभी से हमें ये अपने दिमाग को, अपने आप को ये बोलना है कि अब हम इस सोशल मीडिया को यूज करेंगे ताकि पैसा हमारी तरफ डायरेक्ट हो, पैसा हमारे बैंक में आना चालू होना चाहिए। तो सोशल मीडिया को आज से एंटरटेनमेंट की जगह पे, आज से सोशल मीडिया को आप एक सिस्टम की तौर पर यूज करें ताकि आपके बैंक में पैसे आए, आपके प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो जाए, आपका बिजनेस ग्रोथ पे आना चालू हो जाए। तो ये काम जो है ये बहुत ही सिंपल है, जो आप अपनी डाउनलाइंस को सिखा सकते हो। तो यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखना कि अगर जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपकी डाउनलाइन उसको डुप्लीकेट नहीं कर पा रही है, तो आपका नेटवर्क मरना शुरू हो जाएगा। और अगर आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, अगर वो आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट कर सकती है, कॉपी कर सकती है, आगे वही सेम तरीके से काम कर सकती है, तो आपका नेटवर्क या आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और एक बेल आइकन है उसको आप दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।